بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله وتم برهانه وعظم شانه وجل ذكره وعز اسمه کی حمد و ثناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم سامین حضرات رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام گوجرانوالا کی سرزمین پر سول میں سالانہ فہم دین کورس کے موقع پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے پڑوسیوں کے حقوق. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں یہ حقوق سمجھنے اور ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فہم دین کورس چونکہ دین کے مختلف شعبہ جات کے لحاظ سے مختلف اسباق پر مشتمل ہوتا ہے، اس لحاظ سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے. تو آج حقوق العباد کے لحاظ سے پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں ان کی انشاءاللہ تفصیل کی جائے گی. چونکہ قرآن مجید برہان رشید میں
हम अकसाम अनवा हुकूक का बयान किया गया है और जिस कदर इंसानी हुकूक कुरान मजीद ने बयान किए हैं और जिस कदर इंसानी हुकूक की वजाहत सैयदुल मुरसलीन हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, ये और किसी मकाम से भी मुयस्सर नहीं है। इस बुनियाद पर इस्लाम ही वो दीन फितरत है जो इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा अलमबरदार है और जिसमें इंसानी हुकूक को महफूज किया गया है। पड़ोसियों के हुकूक के लिहाज से कुरान मजीद बुरहान रशीद की जो आया करीमा मैंने आपके सामने सूरह निसा से आयत नंबर 36 तिलावत की है, खालिक कायनात जल्ला जलालहू इरशाद फरमाता है, वअबुदुल्लाह, और तुम इबादत करो अल्लाह की, वला तुशरीकू बिही शैआ, और उसके साथ किसी शय को शरीक ना ठहराओ, वबिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, वबिज़िल क़ुरबा, और रिश्तेदारों के साथ, वलयतामा, और यतीमों के साथ, वलमसाकीन, और मिस्कीनों के साथ, वलजारी ज़िल क़ुरबा, और रिश्तेदार पड़ोसी के साथ, वलजारिल जुनुब, और बगैर रिश्ता के जो पड़ोसी है उसके साथ, यानी कराबत वाला पड़ोसी और इसके अलावा जो खूनी रिश्ता के लिहाज से नहीं वैसे कुर्बत रखता है घर के लिहाज से, वसाहिब बिल जम, और करवट वाला साथी, यानी इसमें जौजा और रफीक और महफिल में बैठने वाले और साथ रहने वाले मुख्तलिफ जो हजरात हैं उनका इसमें जिक्र है, वबन सबील, और मुसाफिर के साथ अच्छा सलूक करो, और वो जिनके मालिक हैं तुम्हारे दाएं हाथ, यानी वो जर खरीद गुलाम, बेशक रब जुल जलाल नहीं मोहब्बत करता उस इंसान से जो इतराने वाला हो और तकब्बुर करने वाला हो। इस आयत करीमा में खालिक कायनात जल्ला जलालहू ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में पड़ोसियों के हुकूक की अहमियत को वाज़े किया है और दीगर हुकूक के साथ इन हुकूक का रब्बी ज़ुल जलाल ने तज़किरा फरमाया है। हुकूक के लिहाज से पड़ोसियों की तीन किस्में हैं। एक वो पड़ोसी है जिसके तीन हक हैं, दूसरा वो पड़ोसी है जिसके दो हक हैं, और तीसरा वो पड़ोसी है जिसका एक हक है। जिस पड़ोसी के तीन हक हैं ये वो पड़ोसी है कि जो इंसान का रिश्तेदार भी है और मुसलमान भी है, तो इसके तीन हक हैं। एक हक है पड़ोस की वजह से, दूसरा हक है रिश्तेदारी की वजह से, और तीसरा हक है इस्लाम की वजह से। इसके हुकूक आगे इन तीन शोबाजात में उनकी लंबी तफसील। दूसरे नंबर पर वो पड़ोसी जिसके दो हक हैं, एक हक पड़ोस का है और दूसरा हक इस्लाम का है, यानी रिश्तेदारी नहीं है मगर पड़ोस का हक और इस्लाम का हक, इस्लामी अखुव्वत है और इस बुनियाद पर उसके इंसान पर हक हैं कि वो पड़ोसी भी है और मुसलमान भी है। तीसरे नंबर पर वो पड़ोसी कि जिसका सिर्फ एक हक है, ये
وہ جو اہل کتاب میں سے مشرک ہے اور کسی کے پڑوس میں رہتا ہے. اب یہاں پر اس کو صرف پڑوس کی بنیاد پر اس کے حقوق ہوں گے, باقی اسلام کی وجہ سے اس کا انسان پہ کوئی حق نہیں ہوگا. پڑوس کی تعریف کے لحاظ سے ایک تفصیل موجود ہے کہ پڑوسی کسے کہا جائے گا. اس سلسلہ میں مختلف اقوال موجود ہیں, یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ انسان کے گھر کے ہر طرف 40 گھروں تک جتنے بھی آئیں گے سب اس کے پڑوسی شمار ہوں گے. عمومی طور پر اسے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول کہا جاتا ہے, لیکن منذری نے الترغیب و ترہیب میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم امر کے لیے بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر و عمر و علی یأتون المسجد فیقومون علی بابہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوس کے حقوق کی اہمیت کے پیش نظر حضرت سیدنا صدیق اکبر, حضرت سیدنا عمر فاروق, حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم کو بھیجا کہ جاؤ تم مسجد نبوی شریف کے دروازے کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور یہ زور زور سے آواز دو, الا ان 40 دارن جارن, کہ یاد رکھو لوگو 40 گھروں تک انسان کے پڑوس کا تعلق ہوتا ہے, یعنی دائیں طرف 40, بائیں طرف 40, آگے 40 اور پیچھے 40. اس لحاظ سے یعنی خود سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے پڑوس کی اس تعریف کا پتہ چلتا ہے. لیکن دیگر بہت سی جو احادیث ہیں جن میں براہ راست پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے گئے, تو اس لحاظ سے یعنی یہ تفصیل سمجھ آتی ہے کہ کچھ ایسے حقوق ہیں کہ جن کا تعلق 40 گھروں تک جا پہنچے گا, لیکن جو اولین حقوق ہیں پڑوسیوں کے اس کے لحاظ سے جو بعض احادیث سے وضاحت ملتی ہے تو وہ یہ ہے, من یلاحقک دارہ دارک, کہ جس کا گھر تمہارے گھر کے ساتھ اٹیچ ہے وہ تمہارا پڑوسی ہے, یعنی بالکل گھر سے ملا ہوا جو ہے اس کو اولین پڑوسی کہا جائے گا. اور آگے جو امور کے لحاظ سے تفصیل ہوگی تو یہ پہلا نمبر اور پہلا فرد ہے پڑوس کا جہاں سے احکام کی وضاحت ہوگی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعریف کے لحاظ سے شفا اور دیگر جو احکام ہیں ان کو بیان کیا ہے. اور پھر جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر گھر کے ساتھ دو طرف دو انسانوں کے گھروں کی دیوار ملتی ہے تو ان میں سے اقرب پڑوسی کون سا ہوگا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہے وہ تمہارا اقرب پڑوسی ہے. تو اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوس کے احکام کے لحاظ سے جو معیار تھا اسے بھی خود بیان فرما دیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, لیس المؤمن الذی یشبع وجاره جائع, وہ بندہ مسلمان نہیں ہے کہ جو خود تو سیر ہو مگر اس کا پڑوسی بھوکا ہو. دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو مجمع الزوائد میں موجود ہے وہاں ایک اور قید کا اضافہ بھی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, آپ نے ارشاد فرما, ما آمن بی من بات شبعان وجارہ جائعن الى جنبہ وہو یعلم, فرما اس بندے نے میرا کلمہ ہی نہیں پڑھا کہ جس بندے نے خود تو رات سیر ہو کے گزاری ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا تھا اور اسے اس کے بھوکے ہونے کا علم بھی تھا. تو اس حدیث شریف میں ساتھ یہ قید بھی اضافہ کیا گیا کہ یہ شدید وعید
इस सूरत में होगी कि जिस वक्त कोई शख्स जानता है कि मेरा पड़ोसी भूखा है और इसके बावजूद ये उसे खाना नहीं देता, कुछ खाने को नहीं देता और खुद सैर होके खा लेता है, सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस इंसान ने मेरा कलमा ही नहीं पढ़ा। अगर मेरा कलमा पढ़ा होता तो इसे खबर होती कि पड़ोसी के कितने हकूक हैं और पड़ोसी के लिहाज से किस कदर हुस्न सलूक शरीयत में मतलूब है। यहां तक कि अतरगीब व तरहीब में सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इमाम मुंजिरी ने जो रिवायत किया, हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन आजा जारहू फकद आजानी, जिसने अपने पड़ोसी को सताया उसने मुझे सताया, जिसने अपने पड़ोसी को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, वमन आजानी फकद आजल्ला, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने गोया के रब को तकलीफ दी। अब सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामईयत के लिहाज से इस फरमान के अंदर इस चीज को वाजे कर दिया और ये बावर करा दिया उम्मत को कि इसे मामूली ना जाना जाए और ये मामला कहीं से कहीं तक पहुंच जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मती के हक से अपने हक तक और अपने हक से रब्बे जुल जलाल के हक तक इस चीज को बयान फरमा दिया। फरमाया कि जिस शख्स ने पड़ोसी को अजियत दी उसने मुझे अजियत दी और जिसने मुझे अजियत दी उसने रब को अजियत दी, हालांकि रब्बे जुल जलाल किसी की अजियत कबूल करने से पाक है, क्योंकि खालिक़े कायनात जल्ला जलालू की जात जो है वो ऐसी है कि उसे कोई अजियत नहीं दे सकता। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के साथ जो आपकी जात का कुर्ब है उस बुनियाद पर ये फरमा दिया है कि मेरी तकलीफ को कोई मामूली ना जाने, मेरी तकलीफ यूं ही है जैसा कि कोई अल्लाह को तकलीफ दे रहा है और उस पर शदीद मुआखज़ा होगा। तो इस बुनियाद पर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उमूर की जिनकी बुनियाद पर रब्बे जुल जलाल ने अपने नबी अलैहिस्सलाम की उमूर को अपनी तरफ मंसूब किया है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को अपना हाथ करार दिया, आपका कंकरियां मारना उसे अपनी तरफ से कंकरियां मारना शुमार किया, तो इस बुनियाद पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जिसने मुझे तकलीफ दी उसने मेरे रब को तकलीफ दी। ऐसे ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन हारबा जारहू फकद हारबानी, जो अपने पड़ोसी से झगड़ा उसने मुझसे झगड़ा किया, वमन हारबानी फकद हारबल्ला, और जिसने मुझसे जंग की उसने अल्लाह से जंग की। तो इस बुनियाद पर एक मुसलमान के लिए इससे बढ़कर और वजाहत क्या हो सकती है कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इतना इंतहाई इकदाम करार दे दिया। अब कौन है जो अल्लाह से जंग का चैलेंज करे, अल्लाह से जंग करे और अल्लाह से जंग का सोच सके और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत देने का तसव्वुर भी कर सके, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजियत को कुरान मजीद में लानत करार दिया गया कि वो बंदा मुस्तहिक के लानत है, उस पर लानत है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचाता है। तो इस बुनियाद पर इंसान को सोचना चाहिए कि उसके दाएं बाएं उसके घर के साथ नादार और मुफलिस लोगों के जो घर हैं या दीगर जो लोग मौजूद हैं उन्हें आम समझ के उन्हें तकलीफ मत दे और उन्हें तंग न करे, इस वास्ते कि इस शरीयत ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन ने उनको इतने हुकूक दे रखे हैं कि जिसकी बुनियाद पर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सोसाइटी में और निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज में और मुस्लिम हुकूमत में और एक इंसानी समाज के अंदर इन रहने वालों को जो घरों के साथ रह रहे हैं इस कदर उनके हुकूक को महफूज कर दिया कि उनके मामले को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ मंसूब फरमाया है। इस सिलसिला में सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर फरामीन भी इस बात की वजाहत करते हैं
جیسا کہ ترمذی میں موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، خیر الاصحاب عند اللہ خیرهم لصاحبه وخیر الجیران عند اللہ خیرهم لجیران، فرمایا دوستوں میں سے اللہ کے نزدیک بہتر وہ ہے جو اپنے پاس بیٹھنے والے لوگوں کے لیے بہتر ہے، اور پڑوسیوں میں سے اللہ کے نزدیک بہتر وہ ہے جو اپنے پڑوس کے لیے بہتر ہے۔ اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ پڑوس کے احکام کو بیان کرتے ہوئے اور اس کی اہمیت کے پیش نظر، جب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے ہیں، ایک شخص نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فلانۃ تکثر من صلاتها وصدقتها وصیامها غیر انها تؤذی جیرانها بلسانها، کہ فلان خاتون بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے اور بہت ہی روزے رکھتی ہے اور بڑا کھلا اس کا ہاتھ ہے اور ہمیشہ صدقہ و خیرات کرتی رہتی ہے، مگر وہ اپنے پڑوسیوں کو گالیاں دیتی ہے، پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے، ارنا اس کے اپنے اعمال بہت اچھے ہیں۔ اب بطور خاص اس کے اعمال میں نماز کا ذکر کیا گیا اور صدقہ اور روزے کا ذکر کیا گیا۔ اب دیکھو یہ ساری عبادتیں کتنی جامع اور اہم عبادتیں ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی زبان کی بڑی کرخت ہے اور زبان کے لحاظ سے پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے، پڑوسیوں کو زبان سے گالیاں دیتی ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہیا فی النار، وہ پھر دوزخ میں جائے گی، وہ جہنمی خاتون ہے۔ اب دیکھو نماز، روزہ اور صدقات، یہ اس میں صرف یہ وصف موجود نہیں بلکہ کثرت سے موجود ہے، یعنی فرائض کے ساتھ نوافل پڑھتی ہے، نوافل تہجد کا اہتمام کرتی ہے، اور صرف رمضان کے روزے نہیں رکھتی، اس کے علاوہ بھی روزے رکھتی ہے، اور صرف زکات ہی نہیں دیتی، دیگر صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، لیکن جو پڑوس کی وجہ سے اس کے اندر کمی ہے اور پڑوسیوں کو جو تنگ کرتی ہے، اس کی بنیاد پر اب اس کا رزلٹ کیا اناؤنس کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمانے لگے ہیا فی النار، وہ دوزخ میں ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر تذکرہ ہو رہا تھا تو کہا گیا ان فلانا تا، فلاں عورت جو ہے وہ ایسی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یذکر من قلت صیامها وصلاتها وانها تتصدق بالاسوار من الاقت، کہا گیا کہ وہ فلاں خاتون نماز اتنی نہیں پڑھتی جتنی پہلی پڑھتی تھی، مطلب یہ فرائض تو پڑھتی ہے مگر اتنے زیادہ نوافل نہیں پڑھتی، اور اتنے زیادہ روزے نہیں رکھتی جتنی کہ اس پہلی خاتون کے روزے بیان کیے گئے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو کچھ پنیر وغیرہ بناتی ہے اپنے پڑوسیوں تک بھی پہنچا دیتی ہے، ولا تؤذی جیرانہا، اور ہمسایوں کو تنگ نہیں کرتی، اپنی زبان سے کسی لحاظ سے ہمسایوں کو تنگ نہیں کرتی، قال ہیا فی الجنت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی خاتون ہے۔ تب دیکھو یعنی پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک، اس کے کتنے فائدے ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان کی جو نیکی ہے اس نیکی میں کتنی برکت آتی ہے، کتنا فائدہ ہوتا ہے، اس سے پتا چلتا ہے نا کہ یہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے نیکی محفوظ ہوتی ہے، اور پڑوسیوں کے ساتھ اگر ظلم کیا جائے تو یہ آگ ہے جو بندے کی نیکیوں کو جلا دیتی ہے، یہ دیمک ہے جس سے بندے کا نیکی کا محل تباہ و برباد ہو جاتا ہے، جس کی بنیاد پہ انسان کی کمائی جو ہے وہ آخرت کی جو کمائی ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس قدر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کو لازم قرار دیا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے فرما ما زال جبریل یوسینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے پاس آ کر اللہ کی طرف سے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں مجھے اس قدر یہ میرے لیے اس بات کو واضح کیا اور مجھے بار بار اس چیز کا پیغام دیا، یہاں تک کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ یہ بھی حکم نہ آ جائے کہ پڑوسی انسان کا انسان کی وراثت میں بھی حصہ دار بن جائے گا،
یعنی اس قدر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے پڑوسیوں کے حقوق بتائے گئے. وارث بنا نہیں ہے پڑوسی, کسی کی وراثت کا حقدار نہیں بنا, لیکن اہتمام اتنا کرایا جا رہا تھا کہ سرکار فرمانے لگے, مجھ سے محسوس ہونے لگا کہ شاید آگے کوئی آیت اس طرح کی نازل ہو جائے یا جبریل کوئی حکم لے کر آ جائیں کہ خالق کائنات نے پڑوسیوں کو, انسان کے پڑوسی کو انسان کے ورثے میں بھی حقدار بنا دیا ہے. اس قدر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوس کے ان امور کو بیان کیا ہے. دوسری طرف جس وقت ہم اس اہمیت اور امپورٹنس کے بعد جس وقت دیکھیں کہ وہ حقوق ہیں کیا, تو اس سلسلہ میں بھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین موجود ہیں. بطور خاص الترغیب والترہیب میں جو امام منذری نے روایت کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, اتدری ما حق الجار, کیا تم جانتے ہو کہ پڑوسی کا حق کیا ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے درخواست کرنے پر کہ آپ خود بیان فرماؤ کہ پڑوسی کا حق کیا کیا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک حدیث شریف میں ہی پڑوسیوں کے 10 حقوق کو بیان کیا. سب سے پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا, اذا استعانک اعنتہ, جب وہ تجھ سے کوئی مدد چاہیں تو تم ان کی مدد کرو. اذا استعانک اعنتہ, تجھ سے استعانت کریں, تجھ سے آن چاہیں, تجھ سے تعاون چاہیں کسی معاملہ میں, تو پہلا حق یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ تعاون کرو. اب یہاں لفظ آن سے جو ہے وہ استعانت کا لفظ مشتق ہے, وہی جو نماز میں پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اگر استعانت ہر لحاظ سے ہی عبادت کی طرح ہوتی تو پھر جیسے مجازن کسی کی عبادت جائز نہیں, تو مجازن نہ استعانت جائز ہوتی اور نہ کسی کی اعانت جائز ہوتی. جبکہ یہاں پر پڑوسی کا سب سے پہلا حق جو بیان کیا گیا, فرما اس کے لیے جائز ہے کہ وہ تجھ سے استعانت کرے یعنی مدد مانگے, اور تم پر لازم ہے کہ تم اس کی اعانت کرو یعنی مدد کرو. تو اس سے ضمناً یہ بھی پتا چلا کہ عبادت و استعانت میں فرق ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو عبادت کا ذکر ہے تو عبادت تو ہر لحاظ سے خدا کی ہے, لیکن استعانت حقیقتاً خدا سے ہے, اور مجازن مدد جو ہے وہ مندوں سے مانگی جا سکتی ہے اور بندوں پر مدد کرنا لازم بھی قرار دیا گیا ہے. دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا استقرضک اقرضہ او اقرضتہ, فرمایا جس وقت تمہارا پڑوسی تجھ سے قرضہ مانگے تو تم پر حق ہے کہ تم میں اگر توفیق ہے تو اسے قرضہ دو. یعنی عام مسلمانوں کے مقابلے میں پڑوسی کا زیادہ حق ہے. اگر ایک دوسرے بندے نے بھی قرض مانگا ہے, پڑوسی نے بھی مانگا ہے, تو شریعت نے پڑوسی کو ترجیح دی. جب پڑوسی تجھ سے قرض مانگتا ہے تو تم اس کو قرض دو. وہ عزفتا کارا اوتا علیہ, اور جب وہ محتاج ہو جائے, اس کی حاجتیں گھیر لیں, تو پھر اس کی حاجت کو دور کرنا یہ پڑوسی کا تجھ پہ حق ہے. وہ ازا مارے دا اوتا ہو, چوتھے نمبر پر جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت یہ تجھ پر حق ہے کہ وہ تمہارا پڑوسی ہے اور تم اس کی عیادت کرو. پانچویں نمبر پر وہ ایسا ایسا اصابہ خیر ہنتہ, فرما جب اس کو کوئی خوشی کا موقع ملے تو یہ تم پر پڑوس کا حق ہے کہ تم جا کے اسے مبارکباد دو. اب دیکھو اسلام کی روشن اور جامع تعلیمات کہ جس میں ایک اچھی اور پرسکون سوسائٹی کے قیام کے لیے کتنے حقوق کو بیان کر دیا. فرمایا جب اصابہ خیر, اسے کوئی خیر پہنچے, کوئی کامیابی اسے ملے, کوئی اس کا خوشی کا موقع ہو, تو تم اپنے گھر میں جل کے مت بیٹھو بلکہ اس کی خوشی میں شریک ہو جاؤ. ہنتہ, جا کے تم اسے مبارکباد پیش کرو کہ تمہاری اس خوشی میں بھی خوش ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں یہ خوشی کا موقع عطا فرمایا ہے. چھٹے نمبر پر اذا اصابت ہو مصیبت عزیت ہو, جس وقت اسے کوئی مصیبت آ جائے تو پھر جا کے تعزیت بھی اس سے کرو, اس کی غمخاری کرو, اس کے غم میں جا کر شریک ہو جاؤ. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوس کے لحاظ سے
खुशी पर मुबारकबाद देने का हुक्म दिया, और गमी जब आ जाए तो फिर जाकर उनके साथ गम में शरीक हो जाने का हुक्म इरशाद फरमाया। ऐसे ही सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सातवें नंबर पर यह इरशाद फरमाया, इजा माता इत्तबाता जनाजातहु, अगर वो फौत हो जाए तो तुम पे हक है कि तुम उसकी चारपाई के पीछे पीछे चलो। यानी नमाज जनाजा पढ़ना तो बाद का मसला है, उसकी चारपाई के साथ चलो और जाकर जनाजे में शरीक हो जाओ। आठवें नंबर पर वला तस्ततिल अलैहि बिल बुनियान फतहजुबा अनहु रीह इल्ला बिइज्नी, फरमाया अपना मकान बनाते वक्त इतना ऊंचा मत बनाओ कि जिसकी वजह से तुम अपने पड़ोसी की तरफ जाने वाली हवा को रोक लो। ला तस्ततिल तूल से है कि अपना मकान इतना ऊंचा ना करो कि जिसकी बुनियाद पर तहजुबा अनहु रीह, कि तुम उसकी तरफ जाने वाली हवा को रोको जिससे वो हवा से महरूम हो जाए। इल्ला बिइज्नी, उस इजाजत मांग के फिर ऊंचा कर सकते हो, उसके इजन से ऊंचा बना सकते हो, या फिर ऐसा बनाओ कि जिसकी वजह से उसकी हवा ना रुके और उसकी तरफ हवा मुसलसल पहुंचती रहे। देखिए सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन रहमत और दीन करम कि किस कदर हर चीज को डिटेल्ड बयान किया गया और किस कदर जामे तबसरे फरमा दिए गए, और कितना ही सोसाइटी को पेश नजर रखकर उन उमूर को वाजे किया गया। आज 14 सदियों के गुजर जाने के बावजूद भी इंसानी हुकूक के जो अलमबरदार बनने वाले लोग हैं उनकी सोच इन बातों तक नहीं पहुंची जिन बातों को नबूवत ने 14 सदियों पहले ही बयान फरमाया है। इस चीज को भी बतौर खास के मकान बनाते वक्त अगले का भी ध्यान रखो कि वो तुम्हारे मकान के बिल्कुल नीचे यूं ना आ जाए कि उसका के नाक में दम हो जाए और वो एक बहुत तंगी महसूस करने लगे। उसके लिए हवा की गुजर का रास्ता जो है उसे बरकरार रखो, और अगर मजीद ऊंचा करना चाहते उससे इजाजत ले लो, उससे इजन मांग लो। अब अगरचे प्लाट अपना है, जहां पे मकान बनाना है, जमीन अपनी है, सब कुछ अपना है, मगर पड़ोसी का यह हक है कि उसके लिहाज से अपना घर बनाते वक्त उससे जिस वक्त बहुत ज्यादा इसको तुम ऊंचा कर रहे हो और आगे सूरत हाल से अब हवा के लिहाज से वहां पर तंगी का खदशा है, तो फिर बाकायदा पड़ोसी से इजाजत का हुक्म दिया कि उससे इजाजत मांगो और ये उसका तुम्हारे ऊपर हक है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवे नंबर पर जो हक बयान किया तो वो भी बड़ा अजीब और अजीम मामला है, और इंसानी हुकूक और सोसाइटी और माशरे और समाज के लिहाज से उससे ज्यादा अच्छी रहनुमाई ना किसी ने की है और ना ही कोई कर सकता है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, वला तुज़ही बेकुतार रीह किदरे का इल्ला अन तगरिफा लहू मिन्हा, फरमाया अपनी हंडिया की बू से उसके तड़के की खुशबू से अपने पड़ोसी को तकलीफ मत पहुंचाओ। अगर खुशबू जा रही है तो फिर जब पक जाए तो कुछ खाना बर्तन में डाल के उसकी तरफ भी भेज दो। सैयद आलम नूरे मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तुज़ही अपने पड़ोसी को अजियत मत दो। किस चीज से? बेकुतार रीहिन, कुतार कहते हैं जब खाना पकाया जा रहा हो तो जो देगचे से खुशबू बाहर आती है, जो फिजा में शामिल होती है और पड़ोसी तक सबसे पहले जाती है और फिर आगे हवाओं में शामिल हो जाती है, ये फिजा ये खुशबू जाकर बता देती है कि तुम्हारे पड़ोस में क्या पकाया जा रहा है और क्या खाना पक रहा है। तो सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी सूरत हाल में अन तगरिफ लहू मिन्हा, तुम चमचे से कुछ डाल के उसकी तरफ भेजो। अब ये तो जाहिर है कि फिजाओं पे यूं पाबंदी नहीं लगाई जा सकती और खुशबू को रोका नहीं जा सकता, या तो यह है कि फिर पकाते वक्त उसे उस जगह पकाया जाए कि जहां से खुशबू पड़ोसी के घर तक ना पहुंचे।
और इसमें यह है कि उसका हो सकता है नादार हो, मुफलिस हो, उसके पास ऐसा खाना पकाने की उसे तौफीक मुयस्सर ना हो, तो तुम्हारी खुशबू जाकर उस बेचारे के दिल में अजीब ख्याल पैदा करेगी, वो परेशान होगा, उसको इस सिलसिला में परेशानी लाहक हो जाएगी। तो तुम फिर अपने घर के उस हिस्से में बंद जगह में खाना पकाओ जहां से खुशबू, वो तड़के की खुशबू पड़ोसी की तरफ ना जाए, वो खाना पकाने की खुशबू पड़ोसी की तरफ ना जाए, ताकि उसके मजाज पे कोई फर्क ना आए, ताकि उसे कोई अपने लिहाज से अपने बच्चों के सामने जब वो खुशबू सूंघे और वालिदैन से कहे कि देखो साथ तो ये खाना पकाया जा रहा है और हमारे घर कभी ये खाना नहीं पका, जिसकी वजह से वालिदैन को कोफ्त पहुंचे। तो सैयद आलम नूर मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूक बयान करते हुए इंसान के सिर्फ जिस्म के ही हुकूक बयान नहीं किए, उसकी तबीयत के भी हुकूक बयान किए हैं, उसकी मजाज की जो नरमी है और जो तबीयत का जो शीशा है जिसको ठेस पहुंचने का खतरा है कि कहीं वो अपने हालात की वजह से अपने रब से शिकायतें ना शुरू कर दे। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस सूरत हाल में तुम अपने खाने की खुशबू न जाने दो। तो दूसरा मतलब यह है कि खुशबू पर जब पहरा नहीं लगा सकते तो फिर जब खाना पक जाए तो इसका कफारा ही अदा होगा कि तुम खाना कुछ डाल के किसी बर्तन में पड़ोसी के घर में पहुंचा दो, अब वो जो खुशबू पहुंची है उसका कफारा अदा हो जाएगा, जिसकी बुनियाद पर तुम्हारी तरफ से पकाया हुआ खाना उसे पहुंचेगा। तो ये हकूक सैयद आलम नूर मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोस के बयान किए, और यहां से अब वो पड़ोसी की तारीफ समझ आ रही है जो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने हकूक के लिहाज से बयान किए कि जिसका घर घर के साथ मिला हुआ है, अब ये अव्वलीन है जहां पर खुशबू पहुंचती है, और फिर अगर 40 तक का मामला हो तो फिर तो शायद कोई इंसान 40 तरफ दाएं तरफ 40 बाएं तरफ वो भेजते भेजते इतना उसने पकाया ही ना हो कि जिसके लिहाज से वो उस हक को पूरा कर सके। तो वो कुछ उमूर है कि जिनके लिहाज से 40 घरों तक मामला पहुंचता है, और अव्वलीन हुकूक है कि जो घर के साथ मिले हुए घर हैं उनके लिहाज से सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया। इसके साथ फरमाया फइल्लम तफअल वइनिश्तरैत फाकिहतन फअहदी लहू, ये दसवां हक बयान किया। फरमाया अगर तुम फल खरीदते हो और फल खरीद के अपने घर में लाते हो, फअहदी लहू, तो फिर पड़ोसी को भी दो, पड़ोसी को भी उससे हिस्सा दो। फइल्लम तफअल, और अगर इतनी गुंजाइश नहीं कि लाओ और पड़ोसियों को भी दो, या ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर फरमाया एक काम तो जरूर करो, वो कौन सा? फरमाया अदखिलहा सिर्रन, फिर उसको लपेट के अपने घर में ले जाओ, उस फल को लपेट के घर में ले जाओ। क्यों? जब तुम घर में शापर भर के दाखिल होगे तो पड़ोसी के बच्चे भी देख रहे होंगे, तो वो अपने अब्बू से कहेंगे कि ये तो आज फल लाए हैं, तुम भी फल खरीद के लाओ, और उधर उसके पास ताकत नहीं है या वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके लिहाज से अब साथ वाले घर में एक हैजानी कैफियत पैदा हो जाएगी, एक झगड़ा पैदा हो जाएगा। बच्चे जब इंसान का वो जिगर के टुकड़े वो मांगेंगे और पास गुंजाइश नहीं होगी, जेब इजाजत नहीं देगी, तो फिर इंसान की तबीयत पे वो असरात मुरतब होंगे, जिसकी वजह से उसके दिल में एक अफसोस की कैफियत पैदा हो जाएगी। तो सैयद आलम नूर मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इतना नहीं कि तुम पड़ोसियों को दे सको, तो फिर जो खरीद के लाए हो वो इस तरह लपेट के अंदर ले जाओ कि पता ना चले कि क्या अंदर तुम ले जा रहे हो। और इसके साथ अगले नंबर पर इसी हक के अंदर फरमाया एक और काम भी तुमने करना है कि जिस वक्त तुमने वो फ्रूट, वो खाना, वो फल जिस वक्त तुमने अपनी औलाद को देना है, अपने बच्चों को देना है, तो उन्हें पाबंद करना है कि गली में निकल के नहीं खाना, घर में बैठ के खाना है, अंदर बैठ के खाना है, बाहर ना निकलो। वला यखरुजु बिहा वलदुका लियगीज़ा बिहा वलदा, ताके फरमा ऐसा ना हो कि तुम्हारा बच्चा फल लेके गली में निकले और गरीब पड़ोसी का बच्चा भी तुम्हारे बच्चे को देखे, अब उसके दिल में यह ख्याल पैदा हो कि यह तो फल खा रहा है इस वास्ते कि यह मालदार बाप का बेटा है और मैं नहीं खा रहा इस वास्ते कि मैं नादार बाप का बेटा हूं। तो सैयद आलम नूर मुजस्सम
शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हद तक पाबंदी करवाई, इतने हुकूक बयान किए। और ये मैं चैलेंज से कहता हूं कि किसी सोसाइटी का कोई फलासफर, कोई मुफक्किर और किसी भी जाब्ते के बनाने वाला कोई इंसानी हुकूक का अलमबरदार, इंसानी हुकूक और उसके चार्टर को पेश करने वाला इस गहराई तक नहीं जा सका जितनी गहराई में नबूवत ने जाके हुकूक को बयान किया है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जितना दर्द है इंसान का और आपके दिल में जितना प्यार है और जितनी मोहब्बत है, इतना और मंजर कहीं भी नजर नहीं आता। अब एक एक कदम पर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को वाजे किया और हुकूक की वजाहत की, अमल का पैगाम दिया और जो मुकम्मल करने वाला है इन हुकूक को उसे ये वाजे कर दिया कि ये हुकूक पूरे करके तुमने के साथ अपनी मोहब्बत का हक जहर नहीं किया, तुमने तो मेरे साथ अपने प्यार को जहर किया है। तुमने मोहब्बत नबी का सबूत दिया है जो कि मोहब्बत इलाही की दलील है। तो सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुतअद्दद मकामात पर इन हुकूक को वाज़े फरमाया है। हुकूक के लिहाज से जिस कदर यह लाजिम है कि पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करने में यानी उन्हें कुछ दिया जाए, कुछ अता किया जाए, वहां इससे बढ़ के यह है कि अगर उनकी तरफ से कोई ज्यादती हो जाए तो बंदा उस पर सब्र करे। पड़ोसियों में पैसे बांटना, पड़ोसियों में खाना बांटना, पड़ोसियों को अच्छे कपड़े लेकर देना, इससे ज्यादा बड़ा हक यह है कि अगर कहीं पड़ोसियों की तरफ से कोई नशेबो फराज की सूरत हाल बन जाए तो उन उस पर इंसान का चुप कर जाना, सब्र इख्तियार कर लेना, ये पहले हुकूक से बड़े हक की अदायगी है। अब ऐसा हो सकता है एक इंसान अच्छा खाता पीता है, वो हमेशा अपने पड़ोसियों को नवाजता है, बहुत कुछ दे देता है, लेकिन अगर गरीब पड़ोसी का बच्चा इसके बच्चे से झगड़ पड़ा तो अब इसने उसको बर्दाश्त नहीं किया, अब इसने वो सारे जाब्ते तोड़ दिए। हो सकता है बच्चे को ही ना मारे, बच्चे के वालिदैन को भी मारे। यानी ऐसा कोई जाबिर चौधरी, कोई मोहल्ले का ऐसा कोई बासर इंसान, यानी जो अपनी सखावतों के लिहाज से बहुत कुछ देता है, लेकिन जिस वक्त कोई ऐसा मामला आ गया कि पड़ोसी की तरफ से कोई नाहमवार बात सामने आई, अब इसने आगे से उसे बर्दाश्त नहीं किया, इसने सब्र नहीं किया और अब जुल्म पे उतर आया, तो इसका वो अंदाज कि जो ये मोहल्ले वालों को नवाज रहा था हर ईद के मौका पर, हर रमजान में या हर खुशी के मौका पर ये उनके साथ हुस्ने सलूक करता है, अब इसका एक ये जुर्म कि जब इसने उनकी तरफ से किसी बात पर आगे सब्र नहीं किया तो इसके सारे किए हुए पर पानी फेर देगा। इस वास्ते सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूक को बयान करते हुए इस हक की अदायगी को बड़ा करार दिया। फरमा उनको अता करने से, उनके तामुन से बड़ा हक यह है कि अगर उनकी तरफ से कहीं अजियत आ जाए आए तो इंसान सब्र करे और गुस्सा पी जाए, तो यह बड़ा हक है जो इसने अपने पड़ोसियों का अदा किया है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां पहले अमर के लिहाज से मुसलमान खवातीन को यह हुक्म दिया, जिसको सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, वहां महबूब अलैहिस्सलाम ने दीगर उमूर की तरफ भी तवज्जो दिलाई। पहले अमर के लिहाज से पाक महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, या निसा अल मुस्लिमात, ए मुसलमान औरतों, यानी जो सहाबियात हैं उनको हुक्म दे रहे हैं और उनके जिमन में क्यामत तक की मुसलमान खवातीन को हुक्म दे रहे हैं, ला तहकिरन जारतुन ले जारतिहा वलो फिरसन शातिन। फरमाया पड़ोसन, अपनी पड़ोसी पड़ोसन औरत की तरफ से दिए हुए हदीये को हकीर ना जाने, अगरचे वो बकरी का खुर ही क्यों ना हो। फिर सने शात, यानी कोई कीमती चीज नहीं है, मामूली चीज है, लेकिन पड़ोसन ने भेज दी है। अब ये घर वाली जिसके पास पड़ोसन की तरफ से ये तोहफा आया है तो ये आगे बातें ना करे कि ये उसने क्या भेजना था मेरी तरफ, ये भी कोई भेजने वाली चीज है, क्या ये भी कोई तोहफा हो सकता है। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने उसकी हैसियत से इस तोहफे की कदर नहीं करनी, तुमने मेरी शरीयत की वजह से इसकी कदर करनी है कि कोई कीमती तोहफा आ जाए वो तो अपनी जगह, लेकिन एक पड़ोसन ने दूसरी पड़ोसन को इस्लामी शरीयत के नुक्ता नजर के पेशा नजर तोहफा भेज दिया,
ये सही तोहफा था। फिर उसने साथ वो बकरी का खुर वो उसने दे भेजा। तो अब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हारे घर हदिया आ जाए तो उस हदिये का अदब करो, एहतराम करो, लाने वाले को झिड़कियां ना दो, उसके सामने उस चीज की तोहीन मत करो और उस पर तनकीद मत करो, और उसके चले जाने के बाद बच्चों के सामने वो जो हदिया मामूली से आया है उसके लिहाज से कोई बात ना करो। तो सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया अच्छी से अच्छी चीज देने का, लेकिन अगर कोई ऐसी नॉर्मल सी चीज भी किसी के पास है, अच्छी नहीं मिलती, नॉर्मल दी है पर यह भी भेजो जरूर, तुम अपने पड़ोसी की तरफ एक पड़ोसन दूसरी पड़ोसन की तरफ भेज दे, और जब ये जाए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से शात के लिहाज से भी फरमाया तुम उसे कबूल करो। ला तहकिरन जारतुन, पड़ोसन तहकीर मत करे, उसकी तौहीन मत करे, वो जो एक बकरी का खुर भेजा जा रहा है उसके लिहाज से भी उसे कबूल करे, खुशी का इजहार करे, शुक्रिया अदा करे कि मेरी पड़ोसन ने मेरी तरफ ये तोहफा भेजा है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो दूसरा सिलसिला है कि जिसमें पड़ोसी के जुल्म पर या किसी अजियत पर सब्र करने का मामला है उसको बयान करते हुए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो मजमा उस जवायद में हदीस शरीफ मौजूद है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू जर गफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, और हजरत अबू जर गफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बु सलासा, अल्लाह तीन किस्म के लोगों से प्यार करता है। और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मैं बताऊं कि वो तीन कौन हैं, तो हमने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हा उलाइस सलासा, ये तीन किस्म के लोग कौन हैं कि जिनसे रब प्यार करता है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहली किस्म के लोग वो हैं अल्लज़ीना युहिब्बुहुमुल्लाह, जिनसे रब प्यार करता है, रजुलुन गज़ा फी सबीलिल्लाही साबिरन मुहतसिबन फकातला हत्ता कुतिला, फरमाया वो इंसान जो अपनी बड़ाई के लिए नहीं अल्लाह के दीन के लिए उसने रब के रस्ते में जिहाद किया, सबर किया उस पर, और तलबे सवाब के लिए अपनी शुजात और जुरत का लोहा मनवाने के लिए नहीं बल्कि दीन की हिफाजत के लिए उसने जिहाद किया यहां तक कि वो शहीद हो गया, तो ये वो इंसान है जिसको अल्लाह तबारक व ताला अपना महबूब बना लेता है। दूसरे नंबर पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो इंसान जिसको ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ गया राजुलुन कान लहू जार सू इन जार सू, एक इंसान का पड़ोसी है और वो बुरा है, अच्छा पड़ोसी नहीं है, और वो ऐसी हरकतें करता रहता है, यु जी है, इसको वो तकलीफ पहुंचाता है, तो सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फसबरा अला अज़ाहु, इसने उसकी अजियत पर सबर किया, वो तकलीफ पहुंचाता है और ये सबर करता है, अगर सबर ना करे तो रोजाना गली में लड़ाई हो जाए, सबर ना करे रोजाना मोहल्ले में लड़ाई हो जाए, वो अजियत पहुंचाता है लेकिन ये उस अजियत पे आगे सबर करता है हत्ता यकफियहुल्लाहु इय्याहु बिहयातिन औ मौतिन, यहां तक के हयात या मौत के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला इसे किफायत कर देता है। हयात या मौत का मतलब क्या है कि या पड़ोसी दुनिया से रुखसत हो जाता है या ये दुनिया से रुखसत हो जाता है, उतनी देर तक ये अपने उस पड़ोसी के जो अजियतें हैं उन पर सबर करके अपनी जिंदगी बसर करता है। तो सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर तुमसे कोई पूछे कि अल्लाह की महबूबियत का सर्टिफिकेट किसे मिलेगा तो इस शख्स के बारे में तुम ऐलान कर सकते हो कि इस शख्स को रब ने अपना महबूब बना रखा है जो पड़ोसियों की अजियत पर उफ नहीं करता, बर्दाश्त कर रहा है, सबर कर रहा है। फरमा उसकी इस हैसियत को शरीयत मुतहरा ने उस महबूबियत का नाम दे दिया है कि ये उन खुश नसीब लोगों में से है कि जिनसे रब्बे जुल जलाल प्यार फरमाता है। तो इससे पता चलता है यानी एक वो पड़ोस का हक कि जिसकी वजह से पड़ोसियों को नवाजा जाए, उन्हें कुछ दिया जाए, उनके साथ ताउन किया जाए, और एक ये हक कि जिस वक्त उनकी तरफ से तादी हुई जुल्म हुआ, तजावज हुआ,
تو اس انسان نے اس پر اپنی طرف سے کسی ایسے رد عمل کا اظہار نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے آگے فتنہ چلے اور یہ بھی اس کی حرکتوں کی طرح آگے جواب دینا شروع کر دے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو محبوبیت خداوندی کا جو شرف ہے اس کی نبیذ سنا دی ہے کہ یہ صبر کرتا رہے گا اب رب ذوالجلال اسے محبوب بنا لے گا. اب یہاں سے شریعت کی حکمتیں بھی کتنی واضح ہوئیں, جو رب اسے محبوب بنا رہا ہے تو اس رب کی یہ طاقت ہے کہ وہ پڑوسی کو صحیح بھی کر سکتا ہے, اس رب کی قدرت ہے کہ وہ پڑوسی کے ہاتھوں کو روک بھی سکتا ہے, اس رب کی قدرت میں شامل ہے کوئی بعید نہیں ہے کہ جو جتنا ہی وہ کم بخت پڑوسی جتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو اللہ اس کے دل کو سیدھا کر دے. لیکن خالق کائنات نے جو یہ کائنات میں سماج کا نظام رکھا ہے اور حضرت انسان کو جو امتحان میں ڈالا ہوا ہے, یہی چیزیں انسان کی اس حیثیت کو واضح کرتی ہیں جو فرشتوں سے اس کو بڑا مقام دلانے والی ہیں. اب فرشتوں کا وہ معاملہ نہیں جس طرح یہاں زمینی آبادی میں یہ انسان انسان کے ساتھ رہ رہا ہے, اب اس وقت رہ کر یہ تکلیف برداشت کرتا ہے صبر کرتا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ فرشتوں کو بھی متوجہ کرتا ہے. فرشتوں نہ تمہیں یوں پڑوسی ستاتے ہیں اور نہ یوں تم ستائے جاتے ہو, لیکن پھر بھی دیکھو تمہاری تسبیح کا انداز اور ہے اور میرا بندہ جسے صبح و شام پڑوسی تنگ کرتا ہے یہ پھر بھی اس کی تنگی کی وجہ سے میری نماز نہیں چھوڑتا, پھر بھی مجھے سجدے ضرور کرتا ہے, میری تسبیح کرتا ہے, مجھے اللہ اکبر کہہ کے یاد کرتا ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ کی ایسی حکمتیں ہیں جن کے پیش نظر اس نے ان سارے امور کو رکھا ہوا ہے. یہ تو شریعت میں بتا دیا گیا کہ پڑوسی کی طرف سے ظلم ہو تو اس پہ صبر کیا جائے, لیکن ایک طریقہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتجاج کا بھی بیان کیا کہ پڑوسی ظلم کر رہا ہے تو اس پر احتجاج بھی کیا جا سکتا ہے. اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو احتجاج کا طریقہ ہے اس کی اکائی یہ ہے, آج جتنے احتجاج کیے جاتے ہیں ان کے لحاظ سے سب احتجاجوں کا مدار وہ حدیث شریف ہے جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بتایا جب اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر اپنے پڑوسی کے مظالم کی شکایت کی. حدیث شریف میں موجود ہے جس وقت ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن آیا تو اس نے آ کر شکایت کی کہ پڑوسی بڑا ظالم ہے, مجھ پہ ظلم کرتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فاصبر, صبر کرو. پھر آگے اگلے دن کہ پڑوسی نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے اور وہ مجھے بہت ستاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاصبر, صبر کرو. یہ انسان پھر آ گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پڑوسی نے ستا رکھا ہے. اب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اطرح متاعک علی طریقن, اپنا گھر کا سامان نکال کے گلی میں رکھ دو. یہ احتجاج کا اسے طریقہ بتایا. وہ کہتا ہے کہ پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے. اب حکمت سے سرکار نے پڑوسی جو تنگ کرنے والا اسے سمجھانا, ایسے بھی ہو سکتا تھا اسے طلب کرتے, اسے ڈانٹتے سمجھاتے, لیکن یہ طریقہ اس کے لیے کہ وہ خود مجبور ہو جائے اور مجبور ہو کر اپنی حرکت کو چھوڑ دے. تو محبوب علیہ السلام نے اس متاثر انسان کو جس کو پڑوسی تنگ کرتا ہے فرما اطرح متاعک علی طریقن, گھر کا سامان نکالو گلی میں رکھ دو. اب فطرحہ, اس نے گھر کا سامان اٹھایا اور گلی میں رکھ دیا. تو کیا ہوا, فجعل الناس یمرون علیہ, اب گلی میں لوگوں کی آمد و رفت ہے, ہر بندہ ہی پوچھتا ہے یہ تم نے سامان کیوں رکھا ہوا ہے, گھر کا قیمتی سامان گلی میں رکھ دیا ہے, گھر کا قیمتی سامان رکھ کے کیوں بیٹھے ہو. اب ہر انسان پوچھتا ہے, ایک تشویش لوگوں میں پیدا ہو گئی ہے, سارے محلے میں پتہ چل گیا ہے, سارے شہر کو پتہ چل گیا ہے یہ سامان رکھ کے بیٹھا ہے, لوگ گزرتے ہیں لوگ سوال ضرور کرتے ہیں کہ یوں نہیں بیٹھا جاتا جیسے تو بیٹھ گیا ہے, یہ سامان تو گھر میں محفوظ ہوتا ہے اور تیرا گھر بھی ہے, وہاں سامان رکھا ہوا بھی تھا, یہ سب سامان اٹھا کے تو نے گلی میں لا کے ڈھیر کیوں کر دیا ہے. تو یہ شخص جس وقت اس سے پوچھا جاتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ میرا پڑوسی مجھ پہ بڑا ظلم کرتا ہے, میں نے احتجاجاً سامان نکال کے باہر رکھ دیا, یہ پڑوسی میرا مجھے ستاتا ہے,
मैंने सरकार दुआलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा है, सरकार ने फरमा अपना सामान निकाल के बाहर रख दो गली में, तो मैंने सामान गली में रख दिया है। अब क्या हुआ, फजालन नास यमुर्रून अलैहि व यलअनूनहु, जो गुजरता है पूछता है और ये बताता है, और जब वो राही सुनता है तो कहता है बड़ा बदबख्त है तेरा पड़ोसी, बड़ा मलून है, ऐसे करता है, इतना जुल्म है, इतना सितम है। यलअनूनहु यानी बुरा भला, जो भी गुजरता है वो उस जुल्म करने वाले पड़ोसी को बुरा भला कहता है। क्यों, उसे ऐसा कहने का मौका क्यों मिल गया कि गली में सामान पड़ा हुआ है, जिस पर जुल्म हुआ था उसने सामान निकाल कर रख दिया है। और इसमें भी हिकमत यह थी, उस पड़ोसी को नबी अलैहिस्सलाम बुला के भी समझा सकते थे, मगर क्यामत तक के मजलूमों को तरीका भी बता दिया कि यह भी हो सकता है, इस तरह भी इंसानी जमीर को झंझोड़ा जा सकता है, इस तरह भी बैनुल अक्वामी जमीर को बेदार किया जा सकता है, इस अंदाज में भी अपना मुतालबा पेश किया जा सकता है, और इस अंदाज में भी इहतजाज नोट करवाया जा सकता है। अब देखो हर चीज में पीछे सुन्नत होती है, आज के ये जो एहतजाज के हमारे तरीके हैं, अब पीछे वहां भी वहां देखो सुन्नत निकल आई है, कि सुन्नत में ये मौजूद है कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपना सामान रख के बस बैठ जाओ, बहर गली में सामान होगा तुम्हारा मसला खुद ही हल हो जाएगा। अब ये चुप करके बैठा है, ये नहीं लोगों को कहता कि मुझे फुलाने तकलीफ दी है, खुद लोग पूछते हैं कि तुझे क्या हुआ, ये सामान सारा गली में रखा हुआ है। आगे ये मजलूम है ये बता देता है, ये आगे कोई मुबालगा भी नहीं करता, कोई तकरीर भी ऐसे नहीं कर रहा उस पड़ोसी के खिलाफ, बस सिर्फ अपनी सूरत हाल बताता है। लेकिन इंसानी मजाज इंसानी जमीर बेदार हो रहा है, और इसके हक की हमायत में आवाज उठ रही है, और जो इस पर जुल्म करता है उसके खिलाफ लोगों की जुबानों से लफ्ज निकल रहे हैं। अब जिस वक्त ऐसा हुआ तो वो शख्स जिसके लिए अब हर जुबान पे गाली है, जो भी गुजरता है कहता बड़ा कमीना इंसान है कि जो पड़ोसी को इतना सताता कि पड़ोसी इस नौबत तक पहुंच गया कि उसने अपना सामान निकाल के बाहर रख दिया है। अब ये शख्स सैयद आलम नूरे मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया। अब हिकमत यही थी कि खुद बुला के समझाएं तो और मसला है, और मजबूर होकर खुद आ जाए और आगे बताएं तो फिर और मामला है। आके कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजीब मामला है, जो इंसान है वही मेरे खिलाफ बोल रहा है, हर बंदा ही मेरे खिलाफ बोलता है, मैंने लकी तो मिनन्नास, लोगों की बड़ी बेरुखी मैंने पाई है, जिधर जाता हूं मुझे लोगों की बातों का सामना करना पड़ता है। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वमा लकीता, क्या हुआ तुझे, लोग तुझे क्या कहते हैं, क्यों तू बेजार हो गया है लोगों से, तुझे अपनी सोसाइटी में तेरा दिल उचाट क्यों हो गया है, क्यों तेरी जिंदगी बेमजा हो गई है, मा लकीता, तुझे क्या हुआ। तो कहता है मुझे ये सूरत हाल इसका सामना है, यल अनूननी, लोग मुझ पे लान करते हैं, मुझ पे लान तान का सिलसिला जारी है, मुझ पर लोग इस तरह के जुमले कसते हैं, ऐसी बातें हो रही हैं। तो अल्लाह ताला के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब सारी सूरत हाल जानते हैं कि इस पर यह क्यों हुआ, इसको ऐसे जुमलों का सामना क्यों करना पड़ा, और ये बेजार होकर अब अपनी शिकायत लेकर मेरे पास आया, हालांकि इसके जुल्म की शिकायत लेकर मेरे सहाबी पहले आए थे, एक जुमला बोला और उस शख्स को पानी पानी कर दिया। फरमाया तू लोगों की बातों पर इतना बेजार हो गया है और लोगों की लान तान पर तुझे इतनी तकलीफ हो रही है, तुझे पता नहीं है कद लाना कल्लाह कबल नास, लोगों से पहले रब तुझ पर लानत कर रहा है, लोगों ने तो बाद में शुरू की है, अल्लाह की तरफ से तुझ पे लान का सिलसिला पहले जारी है, तूने क्यों पड़ोसी को सताया, तूने क्यों उस पे जुल्म किया, तूने क्यों उसको बार बार तंग किया, अब तू मेरे पास आया है, तू कहते है कि लोग ये कहते हैं, लोग कहते हैं, और लोग तो लोग गए हैं, रब कह रहा है, और लोगों से पहले रब तुझ पे लान कर रहा है, इस बात से अगर तू चाहता है कि रब को राजी करे, मुझे राजी करे और लोगों को राजी करे, तो उसे राजी कर ले जिस पर रोजाना तू जुल्म करता है, या जिस पर तेरी तरफ से कभी कभार कोई तकलीफ तू उसको पहुंचाता है, वो है सबकी रजामंदी की चाबी, उसे राजी कर सब राजी हो जाएंगे।
تو اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صبر کی تلقین دی وہاں اس لحاظ سے اپنا اظہار دے اس کی اجازت بھی دے دی کہ اگر صبر سے معاملہ برداشت سے بڑھتا جا رہا ہے تو اس طرح متوجہ کیا جا سکتا ہے ضمیر کو جھجھوڑ دے کے لیے. اور یہ طریقہ مطلقاً امور کے لحاظ سے جو مطالبہ کی حیثیت میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان فرما دیا. اب جس وقت یہ معاملہ ہوا تو کہتا انی لا اعودو, محبوب ایک بار معافی مل جائے میں پھر کبھی بھی تکلیف نہیں دوں گا اس کو, بس ایک بار مجھے معافی ہو جائے, لا اعودو دوبارہ پڑوسی کو نہیں ستاؤں گا, دوبارہ میں کچھ نہیں کہوں گا. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما ارفع متاعک قد کفیتا, اس صحابی کو بلا لیا جو متاثر تھے, پر اب سامان اندر رکھ لو تمہارا مسئلہ حل ہو گیا ہے. تو اس انداز میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی امور کی رہنمائی بھی فرما دی اور پڑوسی کے لحاظ سے جو حقوق ہیں ان کی حیثیت کو بھی واضح فرما دیا. یہ بار بار جو پڑوس کے ان حقوق کا معاملہ اس کو شریعت بیان کرتی ہے, تو اصل یہ ہے کہ اگر ساری چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو خلاصہ یہ بنتا ہے انسان کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے جلب منفعت, دوسرا ہے دفع دار. جلب منفعت ہوتا ہے فائدے کا حصول اور دفع دار ہے نقصان کا دفع کرنا. تو انسان کو دو چیزیں مطلوب ہیں, فائدے کا حصول مطلوب ہے اور نقصان سے بچاؤ مطلوب ہے. صرف فائدے کا حصول ہو نقصان سے بچاؤ نہ ہو تو پھر بھی پورا انسان کو زندگی کی کامیابی نہیں ملتی, اور صرف فائدے سے جو ہے وہ نقصان سے بچاؤ تو ہو مگر فائدے کا حصول کوئی نہ ہو تو پھر بھی زندگی ادھوری ہوتی ہے, اور جب دونوں چیزیں ہوں تو پھر زندگی پوری ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو انسان کے لیے فائدے کے حصول اور نقصان کے دفع کے لحاظ سے جتنا پڑوسی کا کردار ہے اتنا دور والے مسلمان کا کردار نہیں ہے. فائدہ کا حصول دور والے دیر میں پہنچیں گے, مشکل وقت میں پڑوسی فوراً پہنچ سکتا ہے. اگر پڑوسی کے ساتھ بات بنی ہوئی ہے تو پھر وہ پہلا مددگار ہوگا جو مشکل وقت میں فوراً اس کے سر پہ کھڑا ہو جائے گا, اور اگر پڑوسی کو ڈسا ہوا ہے تو پھر وہ اٹھ کے قریب نہیں آئے گا. لہذا اگر انسان اس جہت کو دیکھے کہ فائدے کے حصول کے لحاظ سے کہاں تک اس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے تو پھر بھی عقل کہے گی کہ شریعت کے تابع پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وہ مشکل وقت جہاں پانچ منٹ تک معاون نہ پہنچا تو سب جل کے راکھ ہو جائے گا, وہ اپنے جگری دوست اور اپنے خونی رشتہ دار جن کے پہنچنے میں 15 منٹ لگ سکتے ہیں پڑوسی تو 1 منٹ سے پہلے پہنچ سکتا ہے. لہذا وہ فائدے کے حصول کے لحاظ سے بھی پہلا فرد ہے اور نقصان کو روکنے کے لحاظ سے بھی پہلا فرد ہے, اور اس لحاظ سے بھی کہ اس کو جتنا تمہارے امور کا پتا ہے اتنا دور والے کو پتا نہیں ہے. اگر خیانت کرنے پہ آئے تو اس سے بڑا کوئی خیانتی نہیں ہوگا, اگر حفاظت کرنے پہ آئے تو اس سے بڑا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا, کیونکہ پڑوس چیز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اپنے قرب میں رہنے والوں کی امور کا پتا ہوتا ہے, کون کس وقت گھر ہے کون کس وقت گھر نہیں ہے, کس کے گھر کے معاملات کیا ہے کس کے گھر کے معاملات کیسے ہیں. تو اس بنیاد پر یہ پڑوسی بنے تو پورا جاسوس بھی ہو سکتا ہے, اور اس لحاظ سے سارے امور آگے جو ہے ان پر جا کے اثرات پڑ سکتے ہیں. تو یہ ایک حکمت ہے شرعی طور پر کہ اپنے پڑوس کے ساتھ حسن سلوک میں بالآخر فائدہ اپنا ہی ہے. پڑوس کے ساتھ حسن سلوک میں شریعت کے کہنے پر عمل کر لیا رب سے ثواب مل جائے گا اور فائدہ اپنا ہی ہو جائے گا, کہ جس کی بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور والوں کے لحاظ سے جو امور ہیں ان کے مقابلے میں پڑوسی کا امر جو ہے اس کی حیثیت کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے. اگر پڑوسی پڑوس میں چوری کرتا ہے یا خیانت کرتا ہے یہ اس چوری سے بڑی ہے جو دور والا آ کے کرتا ہے, چونکہ دور والے کے لحاظ سے کئی امور ہیں جو حجاب ہے اسے پتا نہیں ہے, اس کو اس سلسلہ میں کوئی اس کے سامنے خطوط نہیں ہے, کوئی نقشہ نہیں ہے, کوئی خاکہ نہیں ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے, اور قریبی جو ہے اس کے لیے ساری چیزیں جو ہے اس کو معلوم ہے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں اپنے صحابہ سے ایک دن ارشاد فرمایا, حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں, آپ نے فرمایا ما تقولون فی الزنا,
सहाबा बताओ जिना के बारे में तुम्हारा क्या कौल है, जिना कैसी चीज है? तो कालू हराम हर्रमहुल्लाहु व रसूलुहु फहुवा हराम इला यौमिल क़ियामा। जिना हराम है, अल्लाह ने भी हराम करार दिया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हराम करार दिया है, और ऐसा है कि अबदी हराम है, क़यामत तक इसके हलाल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। कि हम समझते हैं कि कभी आयत नहीं नाजिल होगी जिसमें हुरमत जिना मनसूख हो जाए, हमेशा हराम है। जब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने यह जवाब दिया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया, लईं यज़नी अर्रजुल बिअश्र निस्वतिन अयसारु अलैहि मिन अन यज़नी बिइमराति जारिही। फरमा अगर इंसान माज़ल्लाह 10 औरतों से बदकारी कर ले, ये पड़ोसन से बदकारी से छोटा जुर्म है। 10 औरतों से बदकारी, हालांकि हर एक से बदकारी पूरा गुनाह कबीरा, बहुत बड़ा जुर्म है, मगर फरमा एक तरफ 10 से बदकारी करे और दूसरी तरफ माजल्ला पड़ोसन एक से अगर उसने की, तो ये पड़ोसन वाली उस 10 बदकारियों से बड़ी बदकारी होगी। क्योंकि यहां पर पड़ोसी तो पड़ोसी को अमीन समझ रहा था, घर वाला अपने साथ वाले घर को अपनी इज्जत का मुहाफिज समझ रहा था, और जब मुहाफिज चोर बन जाए तो ये बड़ा डाकू है, ये बड़ा मुजरिम है। तो सैयद आलम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह निस्बत बयान करके अब उन सारे उमूर का जो नीचे फलसफा था वो वाजे कर दिया, और उसके लिहाज से जो हुकूक है पड़ोस के और उन पर पहरा है उसको वाजे कर दिया। हालांकि देखो ना, एक जगह भी बदकारी गुनाह कबीरा है जिससे ईमान बाहर निकल जाता है और बहुत भयानक जुर्म है, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगरचे बदकारी कहीं भी हो, जिना बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन एक तरफ 10 जिना है माजल्ला 10 औरतों के साथ, और दूसरी तरफ एक जो पड़ोस में रहने वाली है वो जिसका खामन कहीं मुलाजमत पे है, कहीं जिहाद पे है, वो घर से गायब है और ये खाइन जानता है कि वो घर में मौजूद नहीं है और इसने खयानत की है, या किसी वक्त ऐसा मौका पाकर इसने ऐसी सूरत हाल पैदा की है, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक जो पड़ोस का तकद्दुस है और पड़ोस की इज्जत है उसकी बुनियाद पर। अब देखो, एक शख्स वो है जो आम जगह बैठ के शराब पीता है और दूसरा वो है जो कि काबे में जाके शराब पीना शुरू कर दे। अब काबे में शराब पीने वाला मुजरिम क्यों है? इस वास्ते कि वो जगह मुकद्दस ज्यादा है, वहां जाकर जुर्म किया तो ज्यादा इसने घरौने फेल कर इतिकाब किया। ऐसे ही बदकारी तो हर जगह हराम है, मगर पड़ोस को शरीयत ने तकद्दस दिया है, पड़ोस को जो शरीयत ने वकार दिया था उसकी बुनियाद पर सैयद आलम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका जुर्म इतना बड़ा जुर्म है कि इसने पड़ोस के तकद्दस को पामाल करते हुए ऐसा काम किया है। लिहाजा इसको आम जिना जो कि खुद बतौरे खुद एक जहन्नम की एक पूरे गड़े की हैसियत रखता है, उससे यह कहीं बड़ा जुर्म होगा। इस वास्ते किसने पड़ोस की हैसियत जो है उसको मजरूह कर दिया है। ऐसे ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सहाबा मुझे यह बताओ कि तुम्हारा चोरी के बारे में ख्याल क्या है? सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा तो कालू हर्रमहल्लाहु व रसूलुहु फहिया हराम, चोरी हराम है, हम समझते हैं चोरी जायज नहीं है, इसको अल्लाह ने भी हराम किया है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हराम किया है। फरमा लईं यसरिक अर्रजुल मिन अशराति अबयातिन अयसारु अलैहि मिन अन यसरिक मिन जारिहि। फरमा अगर इंसान दूर वाले घरों में 10 घरों में चोरी कर ले, उसकी 10 घरों की चोरी अपने पड़ोसी के घर के चोरी से छोटा जुर्म है। हालांकि अपने अपने मकाम पर हर चोरी पूरा बड़ा गुना है, हर चोरी बहुत बड़ा जुल्म है, हर चोरी इंसान के जहन्नम जाने का बायस है, लेकिन वो 10 घरों से चोरी इस करीब वाले साथ वाले घर की चोरी से हल्का जुर्म क्यों करार पाया? कि इसने यहां जो दखल अंदाजी की है इसने ज्यादा अल्लाह की हुदूद को पामाल किया है। जो शरीयत ने जार और पड़ोसी को कहा था अपने पड़ोसी पर एतमाद कर जाओ और आपस में यह तकद्दस बयान किया हुआ था पड़ोस का, तो इस चोर ने अपने पड़ोस में चोरी करके इतना बड़ा जुल्म किया है कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको 10 घरों की चोरियों से बड़ा जुर्म करार दिया है। तो यह बतौर मिसाल
दो चीजें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दी, आगे दीगर उमूर इनके नीचे सैकड़ों हैं जिनको समझा जा सकता है और जिनको बयान किया जा सकता है। अब देखें ऐसी जामे शरीयत के होते हुए अगर इंसान देखे व्हाइट हाउस की तरफ, इंसान देखे तिल अबीब की तरफ, इंसान देखे हिंद के बुद्धुओं की तरफ, तो उससे बढ़कर कौन होगा कि जो जिसको अहमक और बेवकूफ कहा जाए। लोगों के पास तो जाब्ता है ही नहीं, उनके पास तो लाइफ कोड मुयसर ही नहीं, उनके चार कानून, 10 कानून, 200 कानून, इतने जाके बातें खत्म हो जाती हैं। ये है शरीयत मुतहरा कि जिसमें सिर्फ अगर पड़ोसी के जो नेबरहुड के कानून हैं अगर वो पढ़ना शुरू कर दे और उनकी तफसील देखें तो इंसान के दिमाग के 14 तबक रोशन हो जाते हैं। मोहतशम सामी के पेश नजर अब गुफ्तगू को रोक रहा हूं। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पड़ोस के हुकूक बयान किए उनमें एक तो वो इंसानों के लिहाज से है, लेकिन फरिश्तों के लिहाज से भी वो मखसूस किस्म का जो पड़ोस का सिलसिला है उसको भी पेश नजर रखना चाहिए। जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने लहसुन खाया हो मेरी मस्जिद के करीब ना आए, क्यों? इन्नल मलाइका तताअज़्ज़ा मा यताअज़्ज़ा मिनुल इंसान, फरमाया फरिश्तों को भी तकलीफ होती है जिन चीजों से इंसानों को तकलीफ होती है। तो इससे पता चला फरिश्तों के घर तो हमारे घरों के साथ बने हुए नहीं है कि ऐसे वो पड़ोसी हो, लेकिन कुछ मामलात हैं। तो मतलब क्या था? लहसुन की मिसाल से हजारों बातों का बयान करना मकसद था। फरमाया फरिश्ते रब ने तुम्हारी बेहतरी के लिए साथ लगाए हुए हैं, लहू मुअक्किबात, अल्लाह की तरफ से आते हैं, ड्यूटी बंदे के साथ देते हैं। अगर फरिश्ते ना होते पहरा देने वाले तो 2 मिनट भी बंदे की आंख खुली ना रह सकती, फौरन बहुत से कीड़ों से भर जाती, बहुत से तिनकों से भर जाती। फरिश्ते हैं जो आंख पे पहरा देते हैं, अगर फरिश्ते ना होते सोए हुए इंसान के कान में हजारों कीड़े और मुख्तलिफ चीजें उसकी तरफ आती, लेकिन सो के उठता है, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो फरिश्ते ड्यूटी दे रहे हैं, तो रब के फरिश्ते ड्यूटी पर साथ रहते हैं और फिर दुआएं भी मांगते हैं अपने उस बंदे के लिए जिसके साथ है, मगफरत भी चाहते हैं। तो इंसान को चाहिए कि अपने उन पड़ोसियों का भी हक अदा करे। कैसे? कि उन्हें बेजार ना करे, उन्हें अपनी जुबान की गंदी बातों से बेजार ना करे, उन्हें अपनी आंख के गंदे देखने से बेजार ना करे, उन्हें अपनी गंदी हरकतों से बेजार ना करे, उन्हें अपनी उरियानी फुहाशी से बेजार ना करे कि वो मुंह पीर फेर के पीछे भेज खड़े हो जाए कि ये कैसा बदबख्त है, इसने हमारा भी नहीं लिहाज किया, ऐसे कपड़े उतार दिए हैं, इसने ये भी नहीं सोचा कि हम इसके साथ खड़े हैं। तो उन पड़ोसियों का भी एक हक है और वो इन जामे हुकूक के अंदर शामिल है। और फिर बिलखुसूस ये सूरत हाल रब्बुल जलाल ने जो मैदान माशर में बयान कर दिया, जिसका जिक्र हदीस शरीफ में आया है, जब फरमाएगा ऐना जीरानी ऐना जीरानी, ए फरिश्तों मेरे पड़ोसी कहां हैं, मेरे हमसाए कहां हैं, तो कहा जाएगा तेरा कौन पड़ोसी हो सकता है? अल्लाह फरमाएगा ऐना जुवारुल मसाजिद, मस्जिदों वाले मेरे पड़ोसी हैं। तो खालिके कायनात जल्ला जलालहू ने अपने पड़ोस को भी जहर कर दिया ताकि लोगों को जब मैंने पड़ोसियों के हक बयान किए इन्हें सहारा मिले कि हम रब के बड़े करीबी हैं क्योंकि रब के पड़ोस में रहते हैं, और वो होगा जो फिर मस्जिद में आएगा, मस्जिद में नमाज पढ़ेगा। अल्लाह ने फरमा दिया पड़ोसियों के हक होते हैं, लिहाजा उस उम्मीद से जिएगा कि कल क्यामत का दिन होगा, लोगों के जो पड़ोसी हैं, बादशाहों के जो पड़ोसी हैं, उनके तो पसीने छूटे हुए होंगे, जो रब का पड़ोसी है वो नूर के साहबान के नीचे नूर की कुर्सी पे बैठा हुआ होगा। मोहतशम सामीन हजरात सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुसनद इमाम अहमद में हदीस शरीफ मौजूद है, इजा अराद अल्लाह बि अब्दिन खैरा असलहू, जब अल्लाह किसी बंदे से खैर का इरादा करे तो उसे शहद वाला बना देता है, असलहू उसे शहद वाला बना देता है। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा असलहू, बंदा शहद कैसे बन जाता? आप फरमा रहे हो असलहू, अल्लाह उसे शहद वाला बना देता है, इसका मतलब क्या हुआ? तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया युहब्बिबुहू इला जीरानही, उसे पड़ोसियों का महबूब बना देता है, पड़ोसियों को उससे प्यार होता है, पड़ोसी उसको पसंद करते हैं। यानी जब आखिरी वक्त आता है तो लोग उसको याद करते हैं, मरने से पहले पहले उससे कोई पड़ोसियों से ऐसा अच्छा काम हो जाता है कि जिसकी बुनियाद पर वो अब दुनिया से जा रहा है तो शहद की हैसियत में है, उसे जहर नहीं समझा जा रहा,
उसे शहद समझा जा रहा है। और यह है वो किरदार जिसकी बुनियाद पे एक इंसान तलखियों से निकल के शहद की हैसियत इख्तियार करता है कि वो पड़ोसियों के हुकूक अदा कर रहा है। मेरी दुआ है रब्बे जुल जलाल हम सबको ये सबक समझकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।